देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में आपका होता है पिंडारिक ओड। तो इस वीडियो में आज हम लोग पिंडारिक ओड के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। इसका लिटरेचर में भी एग्जाम्पल देखेंगे कि पिंडारिक ओड एक्चुअल में होता क्या है, किस फॉर्म में पिंडारिक ओड लिखा जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है पिंडारिक ओड को लिखने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है यह पिंडारिक ओड? देखिए, पिंडारिक ओड जो है एक लिरिक पोएट्री है, मतलब, और ये एक फॉर्म है, एक तरीका है, एक स्टाइल है, जैसा कि पिंडर यूज करते थे, तो वही पिंडारिक ओड है। पिंडर क्या है? एक पोएट है, आगे इसको देखेंगे, पिंडर है कौन। और या फिर आप ये कहिए कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सेरिमोनियस सॉन्ग, मतलब ओकेशनल सॉन्ग, कोई मौके पे, कई मौके होते हैं तो मौके पे ये गाए जाने वाला ओड है। किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में। तो आगे बढ़ते हैं और इसको और भी अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम ओड के बारे में समझते हैं। देखिए, ओड जो है ग्रीक शब्द एडन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू सिंग, गाना, और चैंट, गुनगुनाना, मतलब लय में कोई बातें कहना, गाना या गुनगुनाना, उसको हम ओड बोलते हैं। तो अगर कोई पोएट्री है, अगर गाने के रूप में, गीत के रूप में लिखा जाता है, उसको हम ओड बोलते हैं। और गीत कैसी होती है? आपने सुना होगा पोएट्स को, मतलब पोएम्स पढ़ते हुए, जिसमें से लोगों की वो तारीफ करते हैं, नेचुरल सीन्स मतलब प्राकृतिक चीज़ों की तारीफ करते हैं, सीन्स मतलब मनाजिर, तो नज़ारे की तारीफ करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब अमूर्त विचार की तारीफ करते हैं। तो जब किसी चीज़ की तारीफ करते हैं, तो कसीदा खानी करते हैं, तो उसको हम ओड बोलते हैं। तो आपने सुना होगा कसीदा खानी करना, मतलब किसी की तारीफें करना। तो पिंडारिक ओड क्यों पड़ा? क्योंकि पिंडर जो थे ग्रीक पोएट थे, जो लिरिक पोएट थे, तो उसी के नाम से इसका नाम पड़ा पिंडारिक ओड। और किस लिए पड़ा पिंडारिक ओड? क्योंकि पिंडर ने जो है एक अपना अलग स्टाइल और मैनर, एक तरीका जो है ओड को लिखने का अपनाया था, तो इसीलिए उसका नाम पिंडारिक ओड पड़ा। और तभी से लेकर अभी तक वो ओड चला आ रहा है, कई पोएट्स ने उनके तरीके को अपनाया है लिखने में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और आगे क्या है। देखिए क्या है ये, इट इज़ अ टाइप ऑफ ओड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक प्रकार का ओड है, ग्रीक पोएट पिंडर के स्टाइल पे लिखा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीक ओड, इसको हम ग्रीक ओड के नाम से भी जानते हैं, क्लासिकल ओड के नाम से भी जानते हैं, और रेगुलर ओड के नाम से भी जानते हैं, मतलब हम इसको तीनों नाम से पुकार सकते हैं पिंडारिक ओड को, मतलब पिंडारिक ओड, ग्रीक ओड, क्लासिकल ओड एंड रेगुलर ओड। ठीक है, देखिए पिंडारिक ओड में होता क्या है? देखिए पिंडारिक ओड्स हैव अ थ्री पार्ट स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं तीन पार्ट में होता है। दे बिगिन विथ स्ट्रॉफी, स्ट्रॉफी से वो शुरू होता है, मतलब उसकी स्ट्रॉफी, उसकी शुरुआत जो है स्ट्रॉफी से होती है। मतलब स्ट्रॉफी क्या है? स्टंजा ऑफ टू और मोर लाइन, दो लाइन के स्टंजा होते हैं या ज्यादा लाइन के स्टंजाज होते हैं जो रिपीट होता है। दिस इज फॉलोड बाय एन एंटी स्ट्रॉफी, जस्ट उसके बाद जो है एंटी स्ट्रॉफी आता है। विच हैज द सेम मीटर, जिसका मीटर सेम होता है एज द स्ट्रॉफी, जैसा कि स्ट्रॉफी का मीटर होता है। एंड फाइनली फॉलोड बाय एन एपोड, और फाइनली जो है एपोड का सेक्शन आता है, मतलब स्टंजा टू समराइज द पोएम, मतलब पोएम, पूरे पोएम का जो है समरी बताता है, तो वो आपका एपोड कहलाएगा। एंड विदाउट दीज थ्री पार्ट्स एन ओड कैन नॉट बी कॉल्ड एज पिंडारिक ओड, मतलब अगर ये तीनों पार्ट्स ना हो तो उस ओड को हम पिंडारिक ओड नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है द मोस्ट कॉमन राइम स्कीम फॉर इंग्लिश ओड्स इज ए बी सी डी ई सी डी, बट द पिंडारिक ओड स्टाइल इज इरेगुलर इन लेंथ, मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी ये नहीं पता, बहुत लंबाई भी, बड़े बड़े लंबे लंबे ओड्स होते हैं इसके। मेट्रिकल पैटर्न एंड राइम ये भी इसका मतलब के इरेगुलर होते हैं, मतलब इसका कोई तय नहीं होता है कि इसका मीटर क्या होगा, इसका राइम स्कीम क्या होगा, तो ये आपका पिंडारिक ओड कहलाएगा। एग्जाम्पल है पिंडारिक ओड का कि द प्रोग्रेस ऑफ पोजी पब्लिश हुआ था 1757 में और थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया था, ये आपका एग्जाम्पल है पिंडारिक ओड का। इसी तरह से ओड है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये पब्लिश हुआ था 1807 में, और ये कलेक्शन है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था 1807
चार में, जबकि पब्लिश हुआ था 1807 में। ये सारे के सारे जो हैं पिंडारिक ओड के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए पिंडारिक ओड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखते हैं। देखिए पिंडारिक ओड जो हैं, देखिए यहाँ पर है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एक और दिया है हमने पिंडारिक ओड्स का, जो तीन पार्ट्स में है, और ये जो है आपका टू द इमोर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर लूसियस कैरी एंड सर हेनरी मॉरिसन, ये लिखा गया था बाय बेन जॉनसन। इसमें देखिए सबसे पहला है स्ट्रॉफी, जिसको टर्न बोलते हैं। टर्न क्यों बोलते हैं कि अगर कोरस, कोरस का मतलब जो सिंगर्स, ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड परफॉर्मर्स और डांसर्स जो स्टेज पर, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ओड जो है गीत के फॉर्म में लिखा जाता है, जो गाया जाता था स्टेज पे, तो जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स थे या डांसर्स थे या परफॉर्मर्स थे वो स्टेज पर आते थे, सबसे पहला पहले स्ट्रॉफी बोलते थे, गाते थे, उस पर परफॉर्म करते थे, उसको हम टर्न बोलते हैं। फिर वहाँ से टर्न हो करके अगर मतलब के राइट में अगर खड़े हैं तो लेफ्ट में टर्न हो जाते थे, फिर उसको हम काउंटर टर्न बोलते हैं, एंटी स्ट्रॉफी बोलते थे। देखिए एंटी स्ट्रॉफी यहाँ पर लिखा गया है। फिर फाइनल जो है एपॉड, मतलब के जो कोरस हैं, कोरस उसको बोलते हैं, जो ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स या सिंगर्स और डांसर्स, उसको हम कोरस बोलते हैं। तो कोरस जो है बीच में फिर खड़े हो जाते थे, मतलब द स्टैंड, मतलब स्टैंड हो जाते थे बीच में, और एपॉड मतलब फाइनल स्टंजा जो है गाते थे, समरी बोलते थे। फिर इसी तरह से पोइट्री आगे बढ़ती थी, फिर टर्न होता था, मतलब इस साइड में आते थे, मतलब राइट से लेफ्ट आ जाते थे, फिर एंटी स्ट्रॉफी बोलते थे, फिर स्टैंड होते थे। तो इस तरह से पोइट्री चलती रहती थी। तो ये आपका पिंडारिक ओड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने पिंडारिक ओड को एग्जाम्पल के साथ में और इसके स्ट्रक्चर को भी एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।